हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट टू जनरल फार्माकोलॉजी का आखिरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड फार्माकोविजिलेंस। ये टॉपिक आज की डेट में हॉट टॉपिक है, काफी जगह इसको यूज किया जा रहे हैं। मेडिकल प्रोफेशनल, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, फिजिशियंस, MBBS एंड ऑल अदर टाइप ऑफ मेडिकल फील्ड, जिसके बारे में आज सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, CME कर रहे हैं, जिसके ऊपर कन्वर्सेशन चल रहा है, वो टॉपिक है फार्माकोविजिलेंस। आज के टॉपिक में हम ज्यादा डेप्थ में ना जाकर के बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द PCI के नए सिलेबस में बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वीडियो जो है इतने सिंपल लैंग्वेज में हमने आज दिखाया है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पहली बार फार्माकोलॉजी को पढ़ेंगे उनके सिलेबस के पहले टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्माकोविजिलेंस की जरूरत क्यों पड़ी, फिर हम बात करेंगे फार्माकोविजिलेंस है क्या। देखिए, हमने बात किया था ड्रग डिस्कवरी के हमारे पिछले एक वीडियो में, कि जब कभी भी कोई कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है, उस कॉन्सेप्ट को फुलफिल करने के लिए और उसको एक ड्रग के फॉर्म में, चाहे वो किसी भी डोजेज फॉर्म का हो, लाने के लिए काफी समय लगता है, काफी टेक्निक लगती है। और एट द लास्ट प्री क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, इनको जब पास आउट कर लेते हैं तो मार्केट में वो लॉन्च हो जाता है। क्या मार्केट में लॉन्च होने के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है? क्या मार्केट में लॉन्च होने के बाद ड्रग डिस्कवरी का जो साइकिल था वो वापस से एंड हो जाता है और उसको रिस्टार्ट नहीं किया जाना चाहिए? कई बार ऐसा देखा गया है फ्रेंड्स कि जब कभी भी कोई ड्रग मार्केट में लॉन्च होती है तो काफी दिनों तक बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया जाता है, उसके सारे पैरामीटर को एक्सेबिलिटी के पैरामीटर के हिसाब से मार्केट में लॉन्च किया जा चुका होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि कुछ ड्रग का साइड इफेक्ट कुछ पर्टिकुलर पर्सन में दिखने लगते हैं। ये साइड इफेक्ट या तो लिमिटेड कुछ एरिया वाइज हो सकता है, जोन वाइज हो सकता है, कंट्री या रीजन वाइज हो सकता है, बट अगर कोई साइड इफेक्ट थोड़ा सा डेंजरस हो, एडवर्स ड्रग रिएक्शन थोड़ा सा फैटल हो सकता हो, तो ऐसी जानकारी कहीं ना कहीं किसी किसी रूप से हमको उस रिलेटेड अथॉरिटी तक पहुंचानी होगी, एट द लास्ट वो जो भी गवर्नमेंट उसको लुक आफ्टर कर रही है उन तक, और वो मैन्युफैक्चरर कंपनी जिसने उस ड्रग को बनाया उन तक पहुंचनी चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचेगी कैसे, उसकी पहुंचने के रास्ते कैसे होते हैं, इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए WHO ने एक गाइडलाइन जारी किया था 2002 में कि हम कोई ना कोई ऐसे टेक्निक्स को फॉलो करें, ऐसे प्रैक्टिस को फॉलो करें जिसके द्वारा हम ये रिपोर्ट कर सकें कि आपका जो ड्रग मार्केट में लॉन्च हुआ है उसमें इस तरह की कोई साइड इफेक्ट है, इस तरह के कोई एडवर्स इफेक्ट है, ताकि इसके ऊपर फर्दर स्टडी की जा सके। अब ये जरूरी नहीं है, यहां भी कहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी नहीं है कि जो साइड इफेक्ट उस पर्टिकुलर पर्सन को मिला है वो जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रग, हो सकता है कि उसके इंडिविजुअल फैक्टर्स पे, इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट पे, क्लाइमेटिक कंडीशन पे या कंकमिटेड यूज ऑफ अनदर ड्रग, यानी कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसलिए हम एक फॉर्मेट फिल करते हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे। इस फॉर्मेट में उस ड्रग और उस ड्रग को लिए गए पूरी डिटेल की जानकारी होती है, ताकि इसके ऊपर फर्दर स्टडी की जा सके, रिसर्च की जा सके। आइए हम बात करते हैं अब फार्माकोविजिलेंस के बारे में। फार्माकोविजिलेंस इस प्रैक्टिस को, जो हमने आपका समझाया है, इस प्रैक्टिस को फुलफिल करने का एक बहुत ही अच्छा मीडियम है, एक वे है। जैसा कि हम हमेशा करते आ रहे हैं कि सभी टॉपिक को सिंपल करने के लिए हम उस टॉपिक को जितने पॉसिबल वर्ड्स होते हैं उनमें ब्रेक करते हैं और उनके मीनिंगफुल सेंटेंस को समझते हुए उस पूरे सेंटेंस को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो आपने फार्माकोविजिलेंस वर्ड को अगर आप ब्रेक किया होगा अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, तो आप जरूर इसको ब्रेक किए होंगे फार्माकोन और दैट इज विजिलेंस, बट विजिलेंस का जो एक्टिव डिराइव्ड वर्ड है वह है विजिलेर। अब हमने फार्माकोन का मतलब फार्माकोलॉजी के पहले टॉपिक बताया था, फार्माकोन मींस ड्रग एंड ड्रग मींस अ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर आइदर डायग्नोसिस और प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर डिजीज और मेंटेनेंस ऑफ सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स। तो ये हो गया ड्रग। और विजिलेर यानी कि विजिलेंस का मतलब होता है टू कीप वॉचिंग, इस पे वॉच करना, इस ड्रग पे वॉच करना, क्योंकि फार्माकोविजिलेंस मतलब होता है फार्माकोन प्लस विजिलेर, दैट मींस स्टडी, कीप एन आई ऑन ड्रग। अब किसी भी ड्रग पे आंख रखने या निगाह रखने का मतलब क्या होता है कि आप जब इस ड्रग को मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं तो उस ड्रग की स्टडी आप साइमल्टेनियसली बैकग्राउंड में हाइबरनेट मोड में करते रहें कि उस ड्रग का कितना एडवर्स इफेक्ट कहीं से रिपोर्ट आ रहा है, या उस ड्रग से रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट है या अनवांटेड इफेक्ट है जिनकी रिपोर्टिंग कहीं से कोई कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम परसेंटेज में इस तरह की रिपोर्टिंग आती है, बट ये प्रैक्टिस जस्ट स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे इसके आगे और अच्छे इंप्रूवमेंट होने की पूरी संभावना है। सो अगर हम बात करते हैं इसके एक्चुअल डेफिनेशन एज पर द WHO, जिन्होंने इसको 2002 में दिया था, तो उनके अकॉर्डिंगली डेफिनेशन कहता है इट इज अ साइंस, फार्माकोविजिलेंस इज अ साइंस एंड एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू। हमने इसको डेफिनेशन को एक पॉइंट वाइज कन्वर्ट किया है, इससे आपको याद करना समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप डेफिनेशन पे जाते तो हो सकता था आपके लिए थोड़ा सा ये टफ पड़े। सो व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस, एक्चुअली ये एक ऐसा साइंस है और
एक एक्टिविटी है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट ओनली अ साइंस, इट इज अ एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब ये चीज आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, सिर्फ हाइपोथेसिस या उसके लैब में स्टडी करने से इसका कुछ फायदा नहीं है। इट इज एक्टिविटी अलॉन्ग विद साइंस, जो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है डिटेक्शन, डिटेक्शन असेसमेंट अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्शन या प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट। इन चारों पॉइंट एडवर्स इफेक्ट के करस्पॉन्डिंग में कोई चीज हम स्टडी कर रहे हैं तो वो कहलाता है आपका फार्माकोविजिलेंस। सबसे पहले बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ एडवर्स ड्रग इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट। क्या वो ड्रग जिसको आपने मार्केट में लॉन्च किया है उससे जुड़ी हुई कोई साइड इफेक्ट है, कोई एडवर्स इफेक्ट है, तो उसको पता लगाना, डिटेक्ट कर पाना। और ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस में अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो बेसिकली एक पेशेंट के साथ दो लोग डायरेक्टली रूप से इन्वॉल्व होते हैं, एक पर्सन खुद इटसेल्फ, दूसरा फिजिशियन जिसने उनको प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब किया है, और तीसरा फार्मासिस्ट जो उन डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। ऑल्दो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स टू रिपोर्ट सच काइंड ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू द फिजिशियन हुम वी हैव टेकन ट्रीटमेंट। तो इस तरह के डिटेक्शन एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई ड्रग रिएक्शन एडवर्स कंडीशन में रिपोर्ट किया या किसी डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया और उस ड्रग को लेने के बाद मुझे कुछ ऐसे इफेक्ट मिले जो मुझे नहीं चाहिए था, अनकंफर्टेबल इफेक्ट मिला है, तो हम जाकर के डॉक्टर को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आई हैव दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आफ्टर टेकिंग दैट काइंड ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर उस मेडिसिन के बारे में स्टडी करेगा, एसेस करेगा कि क्या वो ड्रग की वजह से है या आपने कुछ और ऐसे ड्रग लिए थे साथ में जो मैंने प्रिस्क्राइब नहीं किए थे, अन्य तरीके से आपने मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाया हो और कोई डिजीज कंडीशन हो जिसकी वजह से मैंने ये ड्रग प्रिस्क्राइब किया हो। तो इस तरह की स्टडी की एकदम असेसमेंट की जाती है, असेसमेंट की जाने के कहते हैं हम असेसमेंट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसके बाद आप बात करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रग रिएक्शन या अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन के ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इसमें हम बात करते हैं कि ड्रग का ऐसा इफेक्ट जो कि उस कंडीशन का एडवर्स हो जो हमको नहीं चाहिए, तो उसके बारे में समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि ये एडवर्स इफेक्ट क्यों हुआ, क्या वो दो ड्रग के कॉम्बिनेशन के लेने की वजह से हुआ है या इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट की वजह से वो ड्रग इफेक्ट हुआ है, या उस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट के पीछे उसकी जेनेटिक सीक्वेंस, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, एटवायरमेंट इफेक्ट या ड्यू टू सम काइंड ऑफ कंटामिनेशन है। तो इस तरह की चीजों को अंडरस्टैंड करना एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, एक्टिविटी और साइंस है फार्माकोविजिलेंस में। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एट द लास्ट हमारा जो गोल है फार्माकोविजिलेंस का वो ये है कि किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन इस तरह से कलेक्ट की जाए, उसके बारे में और फर्दर स्टडी की जाए कि एट द लास्ट हम जितने भी टाइप के एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उनको प्रिवेंट कर सकें, वो ड्रग मार्केट में लॉन्च होने के बाद उससे जुड़ी हुई कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन ना हो, रिपोर्ट ना हो, ये एक अलग मैटर है, लेकिन एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो ही नहीं, ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है, जो कि अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक्टिविटीज चल रही हैं। ये हो गई हमारे डेफिनेशन को हमने ब्रेक करके कुछ पॉइंट्स में कन्वर्ट किया था। आगे हम बात करते हैं तो इसका एम या ऑब्जेक्टिव क्या है। बिल्कुल, इसका एम और ऑब्जेक्टिव क्लियर कट एक लाइन में है, टू रिड्यूस द ड्रग रिलेटेड हार्मफुल इफेक्ट टू द पेशेंट। ड्रग से रिलेटेड किसी भी तरह का हार्मफुल इफेक्ट हो, चाहे वो एडवर्स रिएक्शन हो, चाहे वो साइड इफेक्ट हो, चाहे वो टॉक्सिक रिएक्शन हो, चाहे वो किसी भी तरह का रिएक्शन क्यों ना हो, अगर उस ड्रग को लेने से पेशेंट को किसी तरह के हार्मफुल इफेक्ट मिलते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है फार्माकोविजिलेंस का वो यही कहता है कि आपको उससे जुड़ी हुई अनवांटेड इफेक्ट को कम से कम करना है, ताकि मैक्सिमम सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट को सेटिस्फैक्शन मिल सके। अब हम बात करते हैं उससे कुछ एक्टिविटीज की। यहाँ पे आपने देखा कि इट इज एक्टिविटी और उसके कुछ टारगेट गोल थे। अब हम बात करते हैं कि इसमें प्रैक्टिस किस चीज की जाती है, कौन कौन चीजों को ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला है पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज। इसमें हम बात करते हैं रिपोर्ट बाय डॉक्टर और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इसका जो स्टेप है वह है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। एक्चुअली फार्माकोविजिलेंस ही है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। ड्रग का अप्रूवल होने के बाद मार्केटिंग करना, मार्केट में लॉन्च करना, ताकि इसे पेशेंट और फिजिशियन लेके प्रिस्क्राइब कर सकें रिस्पेक्टिवली। उसके बाद जो उस ड्रग का इफेक्ट होता है कंज्यूम करने के बाद जो फीडबैक आते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, साइड इफेक्ट और अनवांटेड इफेक्ट, इसकी स्टडी की जाती है। और बेसिकली ये रिपोर्ट किया जाना चाहिए था फिजिशियंस के द्वारा। उनको एक डायरी मेंटेन करनी होती है, एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है, जिसमें हर एक रिपोर्ट को केस स्टडी के फाइल में रिपोर्ट करते हैं। अगर किसी डॉक्टर ने मुझे कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है और मुझे लगता है कि इस मेडिसिन लेने के बाद मुझे इस तरह के अनवांटेड इफेक्ट मिले हैं, तो ये मेरा मॉरल ड्यूटी बनती है कि मैं जाकर के उस ड्रग को रिक्वेस्ट, डॉक्टर को रिक्वेस्ट करूं कि दिस इज काइंड ऑफ मेडिसिन लेने के बाद मुझे इस तरह का एडवर्स इफेक्ट मिला है। ये एडवर्स इफेक्ट या तो डॉक्टर या तो उनसे जुड़े हुए कोई असिस्टेंट पूरी तरह से पेशेंटफुली
एग्जैक्टली इसको नोट आउट करेंगे कि कौन से मेडिसिन की वजह से किस तरह का रिएक्शन मिला है। और ये जो एक फॉर्मेट होता है जिसे हम कहते हैं येलो कार्ड फॉर्मेट और फार्माकोविजिलेंस फॉर्मेट, इसमें बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरह से होते हैं जैसे हमने शॉर्ट में पॉइंट में लिखा हुआ है। उस इंफॉर्मेशन में हमको देना होता है ड्रग नेम, ड्रग का नेम यानी कि या तो वो जेनरिक नेम होगा या तो उसका कोई ब्रांड नेम होगा। अगर कोई ब्रांड नेम एक्स है तो वहां पे ब्रांड नेम के बारे में लिखेंगे, अगर कोई जेनरिक सब्सटेंस है पैरासिटामोल है निमोसुलाइड है तो आप उसके जेनरिक नेम लिखेंगे। फिर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चर्ड बाय, उस ड्रग को किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर्ड किया है उसका डिटेल उसका नाम भी वहां पे मेंशन करना होता है उस फॉर्म में। उसके बाद आता है बैच नंबर या लॉट नंबर, कौन से बैच का कौन सा लॉट है उस स्ट्रिप में, उस जो भी प्रिपरेशन डोजेस फॉर्म का होगा उसमें ये क्लियरली मेंशन होता है अगर उनके पास ये प्रिस्क्रिप्शन से ली हुई ड्रग का लॉट का स्ट्रिप बचा हुआ है तो। उसके बाद हम बात करते हैं उस ड्रग से रिलेटेड उनका एक्सपायरी डेट, व्हाट वाज द एक्सपायरी डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग, क्योंकि इनमें कोई भी मिस्टेक होने पे भी ड्रग का साइड इफेक्ट दिख सकता है और उसको मिस इंटरप्रिटेट किया जा सकता है ड्रग के थेरेप्यूटिक इफेक्ट से। सो इनकी जानकारी भी इंपॉर्टेंट है, एक्सपायरी डेट उसकी है या एक्सपायर हो गई थी ये भी जानकारी जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं डोज यूज की, उस दिए गए ड्रग का डोज कौन सा यूज हुआ, अगर फिजिशियंस ने 500 mg का प्रिस्क्राइब किया था और आपने उससे ज्यादा का डोज ले लिया तो क्या उस इंक्रीज किए गए डोज की वजह से आपको साइड इफेक्ट मिला या एडवर्स ड्रग रिएक्शन मिला, ये भी मेंशन किया जाना जरूरी है कि किस डोज को आपने यूज किया और डॉक्टर ने आपको कौन सा डोज प्रिस्क्राइब किया था। उसके बाद हम बात करते हैं रूट की, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, किसी भी ड्रग का उनके दिए गए अप्रोप्रिएट रूट ऑफ ड्रग रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है। एक आपको मैं केस स्टडी समझा सकता हूं कि आजकल जो जनरेशन है इसमें अवेयरनेस तो है बट कुछ जनरेशन अभी भी ऐसे हैं जो बैकवर्ड माइंड के हैं, उनको ये जानकारी नहीं है। आजकल बहुत सारे रूट ऑफ ड्रग रेफरेंस नए नए लॉन्च हुए हैं जिसमें हम बात करेंगे तो रेक्टल और वजाइनल जो कि थोड़े से हेजिटेटिव हैं, डॉक्टर को बताने में भी थोड़ा हेजिटेशन होता है, डॉक्टर अगर बता भी दिए तो पेशेंट को उतना याद नहीं रहता क्योंकि वो पेशेंट उस समय ध्यान में नहीं देते और उनको जब डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन मिलता है ये केमिस्ट के पास जाते हैं और केमिस्ट उनको प्रिस्क्राइब करता है। क्योंकि जो वजाइनल टैबलेट कैप्सूल हैं वो बिल्कुल सर नॉर्मल कैप्सूल टैबलेट तरह दिखते हैं, उसमें लिखे जरूर होते हैं इट इज़ फॉर एक्सटर्नल और वजाइनल यूज ओनली, बट ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कई पेशेंट जो विलेज से बिलोंग करते हैं, ये रियल इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं, उसमें उसको वो ओरल लूट से ले लेते हैं तो हो सकता है इसकी वजह से उनको जो इफेक्ट मिला है एडवर्स इफेक्ट वो उसी की वजह से हो। सो इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रूट जो कि डॉक्टर ने सही बताया था आपके मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से रूट गलत हो गया ये भी कॉज कर सकता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का, तो उस फॉर्म में ये भी मेंशन करना जरूरी है कि आपने उस ड्रग को कौन से रूट से लिया। फिर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी क्या ली, डॉक्टर ने आपको एक दिन लेने के लिए बोला था दो दिन और एक दिन में दो बार या एक दिन में तीन बार या एक दिन में एक बार, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी जो भी उसका रेजिमेन होगा आपने उसको फॉलो किया या उसके अलग रेजिमेन फॉलो किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का। फिर हम बात करते हैं रीजन फॉर प्रिस्क्रिप्शन, क्या था रीजन, आप किस पर्पज से डॉक्टर से मिलने गए थे, व्हाट वाज योर बेसिक रीजन, की प्रॉब्लम क्या था जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने डॉक्टर ने वो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब किया था। अगर आपको पेट में प्रॉब्लम पेट दर्द में प्रॉब्लम हो रही थी एज अ स्टमक क्रैम्प या क्या हो रहा था तो आपको उसमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और एट द लास्ट हम बात करते हैं दैट इज थेरेपी डेट, कौन से डेट को थेरेपी आपने स्टार्ट किया था और कौन सी डेट को आपको एडवर्स रिएक्शन मिला और आपने स्टॉप किया, स्टार्ट डेट स्टॉप डेट ये कुछ इन्फॉर्मेशन रहती हैं उस फॉर्मेट में। दिस वाज अ सिंपल ब्रीफ, आप गूगल में सर्च करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर्म रिपोर्टिंग फॉर्मेट या फार्माकोविजिलेंस फॉर्म येलो फॉर्म आपको वो मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेकंड की, दैट्स अ प्रिस्क्रिप्शन इवेंट मॉनिटरिंग, ये यही चीज कह रही है प्रिस्क्रिप्शन इवेंट मॉनिटरिंग, मतलब उस ड्रग के प्रिस्क्रिप्शन में किस किस चीज़ें को यूज़ किया गया था, किन किन चीज़ों को ऐड किया गया था, उनके नाम उनके जो पैरामीटर्स हैं इनकी स्टडी की जाती है ताकि ये देखा जाए कि कोई प्रिस्क्रिप्शन एरर तो नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटराइज मेडिकल रिकॉर्ड लिंकेज की, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिस नाउ डेज और इस शुड बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी फिजिशियंस केमिस्ट एंड ऑल मेडिकल प्रोफेशनल्स। कंप्यूटराइज मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग के दो मतलब हो सकते हैं, एक मतलब ये कि आप किसी पर्टिकुलर पेशेंट के रिकॉर्ड को रखते जाएं, उनके प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड को रखते जाएं कंप्यूटराइज फॉर्म में कि इससे पहले जब भी वो आए या जब भी कभी फ्यूचर में आए तो उसके एंट्री डाटा एंट्री करते ही उनको कौन से मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए गए थे इसकी लिस्ट मिल जाए, कौन से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की वजह से उनको किस तरह के अनवांटेड इफेक्ट मिले थे इसकी डिटेल मिल जाए, या दो से अधिक ड्रग जब हम प्रिस्क्राइब करेंगे तो उन दोनों की आपस में कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, ये इंटरेक्शन है कि नहीं ये दिख जाए। और ये सॉफ्टवेयर आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइडली यूज किया जा रहे हैं तो ये काफी हद तक ड्रग रिएक्शन को दैट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन को कम कर सकता है। फिर हम बात करते हैं डिसिमिनेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन थ्रू डाटा प्रोवाइडिंग, मींस क्या होता है
आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करना पड़ेगा, एक विज्ञप्ति जारी करनी पड़ेगी, उसमें अगर कोई ड्रग का साइड इफेक्ट मिलता है, एडवर्स इफेक्ट मिलता है, तो उसको उसकी जानकारी को सर्कुलेट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ ड्रग अलर्ट। ये मेडिकल प्रैक्टिशनर आप अच्छे समझ सकते हैं, ड्रग अलर्ट एडवाइजरी जारी की जाती है किसी भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी के द्वारा कि इस ड्रग के साइड इफेक्ट ये हैं, तो इसको कम से कम या तो यूज़ ना किया जाए। मेडिकल लेटर्स जो फिजिशियंस को जारी किए जाते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं तो एडवाइजरी जो गवर्नमेंट द्वारा टाइम टू टाइम जारी की जाती है टू द फिजिशियन बाय रेगुलेटरी एजेंसीज, जो MCI है, किस तरह के एजेंसी हैं वो डॉक्टर्स को फिजिशियंस को इस तरह के रेगुलेटरी इशू करते हैं। फिर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो चेंज इन द लेबलिंग ऑफ मेडिसिन। अगर किस तरह के ड्रग इफेक्ट मिल सकते हैं, किसी ड्रग में संभावना होती है, तो इमीडिएटली इफेक्ट से जो प्रेजेंट लॉट बचा हुआ है उस लॉट से उसकी लेबलिंग में साफ साफ लिखना होगा कि इट इज पॉसिबल कि ये कुछ दिक्कत कर सकता है। मीन्स वार्निंग प्रिकॉशंस क्या हो सकती है, वार्निंग क्या हो सकता है, प्रिकॉशन दैट्स कई ड्रग में लिखा हुआ होता है कि माइल्ड हेडेक कॉज कर सकता है, डिसेंट्री कॉज कर सकते हैं, डायरिया कॉज कर सकता है, ये क्लियरली मेंशन होता है लीफलेट के अंदर, एंड दैट इज गुड प्रैक्टिस वन। फिर हम बात करते हैं अगर कैजुअलिटी असेसमेंट की, अगर उस ड्रग का लेने से कोई तरह से कैजुअलिटी होती है तो हम उसको कैसे असेस करेंगे, उसके कुछ फॉलोइंग पॉइंट है, फिर हम बात करेंगे उसके रिजल्ट की। कैजुअलिटी असेसमेंट पहले हम बात करते हैं रिलेशनशिप विद द टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, क्या उस ड्रग का जिसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था उसका लिए गए टाइम, जो ड्रग मैंने प्रिस्क्राइब किया है उसको जो मैंने लिया है, उस ड्रग का टाइम और ड्रग से कोई रिलेशनशिप है। जैसे हमने बताया था कुछ ऐसे ड्रग होते हैं रिफॉर्मपिसिन, इनको एंटी स्टमक लेना चाहिए, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनको शाम में इवनिंग लेना चाहिए, ये ड्रग के बारे में हमने आपके पहले वीडियो में बताया हुआ है कि कौन से ड्रग की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, जिसमें हमने बताया फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। सो उसमें आप देख पाएंगे कि ड्रग के टाइमिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके इफेक्ट या तो एडवर्स इफेक्ट के कन्वर्ट होने में। फिर हम बात करते हैं प्रीवियस नॉलेज अबाउट द ड्रग, क्या वो ड्रग जिसको आप यूज कर रहे हैं इसके पहले उसकी जानकारी थी, क्या आपको ये अंदाजा था कि ये ड्रग कुछ तरह से एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है, या उसके कुछ और ऑफ लेवल यूज हो सकते हैं, या उसके कुछ इम्पॉसिबल इंटरेक्शन हो सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कैजुअलिटी के असेस करने में। आपको उस ड्रग की प्रीवियस हिस्ट्री और उसके फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल इंक्लूडिंग डायनेमिक और काइनेटिक इन दोनों की जानकारी होनी मस्ट है। फिर हम बात करते हैं तो अगला है डी चैलेंज की। डी चैलेंज मतलब क्या होता है कि ये उस ड्रग की वजह से हुआ है कि नहीं, दैट मीन्स इवेंट सबसाइड ऑन स्टॉपिंग ऑफ ड्रग, उसको आप वापस से चैलेंज करेंगे, क्या वो जो ड्रग इफेक्ट आ रहा था एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो उस ड्रग की वजह से था। इसको कंफर्म करने का एक ही रीजन है, एक ही तरीका है कि आप उस ड्रग को डिसकंटिन्यू कर दीजिए। अगर डिसकंटिन्यू करने से वो एडवर्स इफेक्ट चला जाता है, दैट मीन्स इट कुड बी, आई एम स्टिल नॉट सेइंग दैट इट इज श्योरली, बट इट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग, दैट्स कॉल्ड डी चैलेंज। दूसरा है रीचैलेंज, एज यूजुअल रीचैलेंज मतलब आपको और कंफर्म करना है, इट इज नॉट एडवाइजेबल, बट इन केस ऑफ प्रैक्टिस अगर आपको वापस से चेक करना है, कंफर्म करना है, दोबारा से उस ड्रग को दीजिए और दोबारा ये चेक कीजिए कि क्या अब फिर से वो इफेक्ट मिल रहा है जो पहले मिलता था। सो डी चैलेंज एंड री चैलेंज कैन कंफर्म द इवेंट ऑफ फार्माको इन केस ऑफ फार्माको विजिलेंस अबाउट द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फिर हम बात करते हैं कुछ रिजल्ट्स की। रिजल्ट मतलब कैसे आप कह सकते हैं कि ये उसी ड्रग की वजह से हुआ है। सबसे पहला है डेफिनाइट मतलब कंफर्म, अगर स्टडीज करने के बाद कोई डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है, डेफिनाइट इट इज, इट मींस हाँ ये ड्रग रिएक्शन इसी ड्रग की वजह से हुआ है। दूसरा है प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब लाइकली टू कॉज द इवेंट बट स्टिल नॉट श्योर, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि हाँ ये इसी ड्रग की वजह से हो सकता है। अगला है आपका पॉसिबल, पॉसिबल मतलब ड्रग टू ड्रग प्लस अदर कॉज, पॉसिबल मतलब हो सकता है कि वो ड्रग जिसको आपने प्रिस्क्राइब किया था और कुछ छोटे मोटे फैक्टर और होंगे, जैसा हमने पहले वीडियो में बताया था फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्शन में, जिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा और आपको इस यहाँ पे भी क्लिक करेंगे इन्फॉर्म में तो आपको मिल जाएगा, तो वो फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग में भी दोनों के रीजन हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लास्ट में तो दैट इज डाउटफुल, डाउटफुल मतलब अनलाइकली टू कॉज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मतलब उस ड्रग की पॉसिबिलिटीज कम है कि वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज करे, बट वी कैन नॉट से इट एज अ 100%, तो कुछ अदर इफेक्ट भी हो सकते हैं, बट क्लियरली कहना मुश्किल है, हो भी सकता है और नहीं, बट मैक्सिमम चांसेस हैं कि उसकी वजह से नहीं है। इस तरह से हमने पूरा देखा है स्टार्ट कैसे होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है और एट द लास्ट उसका रिजल्ट कैसे कंक्लूड करते हैं कि जो ड्रग रिएक्शन मिला है वो जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रग की वजह से है कि नहीं है। इन शॉर्ट फ्रेंड फार्माको विजिलेंस मतलब होता है ड्रग के लॉन्च होने के बाद भी उस पर नजर रखना कि उस ड्रग का क्या क्या साइड इफेक्ट मिलता है, नजर रखने के साथ साथ प्रॉपरली रिपोर्ट करना। And this was enough for today's presentation. ये short note में आने की पूरी संभावना है क्योंकि ये hot topic, discussable topic है और आजकल की trend में चल रहा है, तो short answer के question के लिए ये जरूर prepare कर लीजिएगा, points बना लीजिएगा। Thank you very much for watching this video. Please stay connected and supportive. Thanks again.